सुबह 7:30 बज रही है, तो बल्दिया वाले आके कचरा झाड़ू मार रहे, उठा रहे। इसकी बदमाशी आप देखेंगे कैसी बदमाशी है इसकी। अभी इन्होंने झाड़ू मारा, अब इसको इसकी बदमाशी देखेंगे। गाड़ी यहाँ लगा दिया, ये साइड में कचरा पड़े हुआ किसका है पता नहीं। अब ये क्या कर रहा देखिए आप, देखिए कचरा उठा रहा है, ये पूरा रोड का कचरा उठा लिया ये। अब इसकी मानसिकता देखेंगे आप, कितने बदमाश है ये लोग, कौन गवर्नमेंट नौकरी पे रख रही है। अभी बिल्डिंग के ऊपर आ रहा है बंदा, यहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ आया। ये एक कैसा मानसिकता वाला बंदा है, यहाँ कचरा ढूंढ रहा हो कहाँ रखू बोल के। अब यहाँ पे ये बंदा जीएचएमसी वाले का बंदा है, बिल्डिंग के सामने रखेगा। इस लोग को नौकरी से फौरी हटाना चाहिए, ये गलत, बहुत बहुत गलत तरीका। देखिए आप, ये हमारे कारपोरेटर साहब को समझना चाहिए। अब इसका मानसिकता तो आप देख लिए, कितने बदमाश ये कचरे वाले है। इसको काम जो ड्यूटी है ड्यूटी नहीं करके ये दूसरे को तकलीफ दे रहा है, अब देख सकते हैं। उसके बाद का मैं वाक्य दिखाता हूं मैं। अब यहाँ कचरा तो ऑलरेडी जमा हो गया, सो है देख सकते हैं, यहाँ कचरा जमा हो गया सीढ़ी पे। अब इससे भी ज्यादा एक और बंदे का मानसिकता दिखाता हूं मैं, जो कि इनको क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, जाहिल बोल सकते, दिमाग से पैदल बोल सकते हैं। इसके बाद के हालात मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। करीब करीब 11 बजने वाला है, अब देखेंगे गुस्से की हालत में। पहले कचरा कौन फेंका किनको भी मालूम नहीं है, लेकिन गुस्से की हालत में आके क्या होता है कंडीशन, कचरे का हालत अब देखेंगे। अभी आप देखिए, गुस्से की हालत में आके हमारे अहमद भाई जो कि नीचे बुरखे वाले हैं, उनको पहले मालूम करना चाहिए कि ये कचरा कहाँ से आया है। लेकिन उनकी मेंटेलिटी ऐसी है, बस जो भी है हम हैं। तो इसके से मुझे गुजारिश है हमारे अपने ऑनर साहब से, मकानदार साहब से और हमारे कारपोरेटर साहब से, ऐसे लोगों को जरा बैठ के बात करना, समझाना, ये दिमाग के पैदल लोगों को समझाना कि कचरा कहाँ से आया और कहाँ फेंक रहे और किनको तकलीफ दे रहे ये बंदे। तो ऐसे लोगों को अच्छी तरीके से समझाना जरूरी है, प्यार से बैठ के कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहे ऐसा। देखिए, ये एक छोटी सी गलतफहमी कितनी बड़ी बात बढ़ा दे रही है। ये किसको तकलीफ देना चाह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उनको खुद नहीं मालूम है। ठीक है, इनकी दुकान के सामने बंदा कचरा रखा, तो पहला काम एक 2-4 गाली देना, कौन फेंका रहे, क्या फेंका, मालूम होता इंक्वायरी करे तो। ऑलरेडी इनकी भी कैमरे लगी हुई है हर तरफ, लेकिन इनकी बदमाशी देखेंगे, इन्होंने देखे बगैर गुस्से की हालत में। मैं कोई भी दिखा कचरा, लेकिन मैं बिल्कुल इसको पहले समझा कि कहाँ पे है ये और कौन फेंका, कैसा हुआ, पूरा तहकीकात मालूम करने के बाद ये आपके सामने है। आप ही लोग इसका इंसाफ करें कि क्या करना चाहिए ऐसे बंदों का, जो हर बात पे छोटे छोटे बात पे लेकर लड़ने आते हैं। देखिए कचरा उठा रहे, वाह वेरी गुड, कचरे वाले दिख रहे हैं अभी, माशाल्लाह। ये तकलीफ देने की काम है, ये मालूमात करने की काम नहीं है, तकलीफ देने की काम है, ये सिर्फ लड़ने का कनेक्शन है बस। आओ लड़ो, आओ बैल मुझे मारो। चलिए बस गुजारिश आप लोगों से, 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर हजार से ज्यादा वैरायटीज के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और ₹100 डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है, जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं, वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन ना आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की, अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीद कर अमेजोन, फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राबता पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स, MPM मॉल, एबिट्स,
पोडियम मॉल टोली चौकी, एसएमपी मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।